वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूं, बस आप ही की तरह श्रीमान हूं, लेकिन अपनी बाई आंख से बेहद परेशान हूं। क्या करूं, अपने आप चलती है, लोग समझते चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई। एक बार बचपन में, शायद सब बचपन में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा, उसने मैं देखा और आग चल गई। लड़कियों चल गई, हमें याद है प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर बुलाया। हमने कहा जी भूल हो गई, ऐसा भी होता है भूल में, ऐसी गंदी हरकत करते स्कूल में, इससे पहले कि मैं हकीकत बयान करते आग चल गई। प्रिंसिपल चल गई, हुआ ये परिणाम कट गया, नाम बामुश्किल तमाम मिला है, काम खड़े थे इंटरव्यू में, लाइन में, क्यू में, एक लड़की सामने अड़ी, अचानक मुड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी और आग चल गई। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके, मार मार जूता चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल, हम सिर पर पांव रखकर भागे, लोग बाग पीछे पीछे, हम आगे आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी हमारे सर में, मारे डर के कांप रहे थे, बुरी तरह हांफ रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो दोबारा बोली, बोलते हो किसी को बुलाओ, और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं, गृहिणी चल गई, गृहिणी चल गई, साक्षात दुर्गा सिंधी की, बुरी तरह चीखी, भाग भाग में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मामा मौसी भतीजे मामा, चड्डी बना दिया हमारा पैजामा, बनियान बन गया हमारा कुर्ता, मार मार बना दिया हमारा कुर्ता। हम चीखते रहे और पीटने वाले में पीटते रहे, न जाने कब तक, निकालते रहे अपना रोष। और जब आया हमें होश, तो देखा अस्पताल में पड़े थे डॉक्टर और नर्स, हमें घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आंख खोली तो नर्स बोली, दर्द कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बताते, और इससे पहले कुछ भी कह पाते। नर्स तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाय गॉड डॉक्टर को गड़ गई, बोला यार इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो, न जाने कैसे ऐसे हाल में भी मोहब्बत कर लेते हो। उन सबके जाने के बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, भाग जाए चुपचाप, जानते नहीं आप बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस बिगड़वा देगा, ना हुआ तो मरा हुआ बदलाकर जिंदगी गड़वा देगा। तो रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते, शादी ही कर लो, लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की अच्छी है, फिर भी बच्ची है, फिर बेटा यहां भी तो कड़की है। हम बोले जी मेरा अभी क्या जल्दी है, बोले गधे हो, ढाई टन के होगा, बाप के सीने में लगे हो, घर बस गया तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तो एक दिन धड़कता दिल लेकर भगवान से मिलकर पहुंचे रुड़की, देखने लड़की शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ इतनी हुई, इससे पहले हम खुद कहते हाँ चल गई, सासू जी समझी शायद, मचल गई, बोली मैं तो लड़की की माँ हूं, लड़की तो अंदर बुलाऊ, मैं जुबान हिला, उससे पहले दोबारा चल गई। सासू जी एक ही झटके में खड़ी हो गई और हमारे पिताजी का सारा प्लान धो गई। हम जैसे थे लौट आए, घर पहुंचे, मुंह लटकाए, पिताजी बोले क्या फायदा मुंह लटकाने से, अरे डूब मरो चिल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकता तो हाथ फोड़ दो, नहीं फोड़ सकता तुमसे नाता ही तोड़ दो, जहां कहीं भी जाते हो पीट कर आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अरे हमने भी अपने जमाने में बहुत चलाई पर आज तक किसी से मार नहीं खाई, अब आप ही बताइए अपनी जात के कहां तक गुणगान करूं, जवान हो या वृद्धा, हालांकि ये एक्सपायर हो गई है लाइन, बट फिर भी जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या वृद्धा, सिर्फ एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो मिल जाए तो मुझे बताइए। थैंक यू, हंसना है परफॉर्म करो, थैंक यू।